पता क्या बात चल रही थी हमारी, तो ये पहले ना हम बोलते थे पहले क्या बोलता जी, हम टीवी यूट्यूब भी भीतर अब बनाइए गुगुरु सुए और कोना कोना भीतर ये दादी कमरा यानी बोलते पहले, अब बनागा यू डाइनिंग बोल ना, मैं भी कंफ्यूजन हूँ, मैं भी कंफ्यूजन हूँ, ये तो डाइनिंग बोल रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो? तो आज है केविन का मैच, तो केविन के मैच के लिए आ गई हूँ मैं सुबह सुबह, चल रही है केविन की मैच। तो अभी पहुँचे हैं हम, अभी तो दूसरी टीम कोई कोई बच्चे आ गए हैं और कोई कोई बच्चे नहीं आए अभी, तो उन्हीं के लिए रुके हैं यहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे मैच भी शुरू हो जाएगा। पर केविन की जो बाल्टी है वो फील्डिंग का है पहले, पर बैठ के मैं वीडियो एडिटिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे कल टाइम ही नहीं मिला वीडियो एडिटिंग करने का, तो यहाँ पर बैठ के मैं थोड़ा वीडियो एडिटिंग भी कर रही हूँ और मैच का आनंद भी ले रही हूँ, जो कि यहाँ पर बच्चे बैठ रखे हैं इनके साथ, बहुत ये अपने टीम को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं ना, इनको देख के भी ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह की आई वीडियो, अभी 9 बजे से शुरू हो गया है मैच। तो यहाँ पर इस समय केविन की बॉलिंग की बारी आ गई है, अब केविन की बॉल पे चौका लग गया। एक इनिंग्स खत्म हो गया है और यहाँ पे बच्चे अब खाना खा रहे हैं, जल्दी खा, टाइम कहाँ है फिर। यहाँ पे बच्चा खा रहे हैं खाना और अभी ब्रेक है, तो पता नहीं कितने देर तक होता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का होगा। और यहीं पे मेरे एक सासू जी रहते हैं ना, तो मैं तब तक उनके यहाँ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो यहीं पे रहते हैं और कितनी बार बोलते भी हैं कि यहाँ पर आते हैं, आते नहीं हमारे यहाँ, तो फ़ोन किया था घर ही में है वो। तो चलो फिर मैं अपने सासू जी से आप लोगों को मिलाऊँगी, ठीक है। तो ससुराल साइड जा रही हूँ, तो सर में आ गया है पल्लू, तो यहीं पर पीछे से मेरा मेरे लड़के का मैच मतलब थोड़ा ही दूर है, और यहीं पे सासू जी का घर है वो सामने दिख रहा है हमारी सासू जी, उनके यहाँ रखी हूँ मैं, तो मेरे मुंड मने दे बोला मैं तुमके देख दे ना वीडियो का क्या करता हूँ, वीडियो तो सबसे मैं वीडियो वाली बात अलग। तो यहाँ पे सासू जी ने बहुत सुंदर घर बना रखा है, मैं सासू जी का होम टूर कराऊंगी, मैं जहाँ भी जाऊंगी सबके घरों का होम टूर कराऊंगी, और आप लोग मॉडल देखना किसका मॉडल कैसा है, किसका मॉडल कैसा है, और आप लोग भी ऐसे बनाना, ठीक है। और हमारा सासू जी देखो कितनी क्यूट है, ऐसे ना तो फिर हमें ना, हमें तो बिल्कुल नहीं लगता कि सासू जी है, कसम से दोस्त जैसे रहते हैं, कहीं भी मिलते हैं, जबकि बहुत बड़े बच्चे हैं, शादी लायक है बच्चे, एक बच्चा फौज में, एक बच्चा फौज में है, और बेटी कौन सी क्या कर रही है बेटी, वो एमए कर रही है बेटी, आजकल बेटी नानी के गांव जा रही है छुट्टी है, और कौन बोलेगा इतने इतने बड़े बच्चे, अरे एक बच्चा मैं अभी दिखाऊंगी मेरे देवर जी, 3 बच्चे, और कौन बोलेगा कि फूल जैसी हमारी सासू, ढूंढ लिया दूसरे बोलो ससुर जी तो मन मही हाँ तो
सबसे पहले पहले है यहाँ पे ड्राइंग रूम, कितना प्यारा और सुंदर सा बना रखा है सासू जी ने। और यहाँ पे ना बहुत सारी फोटो भी लगा रखी है, ये देखो ये अपने जमाने की फोटो होगी सासू जी की। ये हमारे ससुर जी हैं, और ये इनकी यहाँ पे इनकी टीम है, ये दोस्त हैं। और ये है डाइनिंग टेबल, जो कि बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पे। और डाइनिंग टेबल के जस्ट बगल में है यहीं पे एक पूजा घर है, जो भी बहुत सुंदर बना रखा है सासू जी ने। और इसकी लाइफ का तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो ये देख सकते हैं, जय हो माता रानी। और यहीं पे बगल में है हमारी प्यारी सासू जी, और प्यारी सासू जी का प्यारी किचन। तो ये देखो किचन भी कितना बड़ा बना रखा है सासू जी ने। अच्छा अभी फ्रिज, और मुझे ना इनके किचन का ना सबसे सुंदर ये भी लगता है यार, खास हो जिम भी है। ये देखो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत बड़ा है किचन, छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा है किचन, ये देख सकते हैं। और ये डाइनिंग, और यहीं पे बगल पे वॉशरूम है ऐसे, इस साइड ये और इस साइड, और यहीं पे है सासू जी का कमरा ये है। अरे हमारे देवर जी हैं जो कि बिजी है फ़ोन में, और ये सासू जी का कमरा है, और इस साइड अलमीरा है। और यहाँ से निकले बाहर, और एक रूम इस साइड है, और ये अभी इन्होंने रेंट पे दे रखा है, तो ये लॉक है। तो एक कमरा इस साइड है, तो इस साइड सासू जी की सासू जी रहती है। यहाँ पे एक अलमीरा है, और एक अलमीरा ये है, और एक बेड ये है यहाँ पे सासू जी की सासू जी, मतलब हमारे बूढ़े सासू जी आ रखे हैं आजकल यहाँ। तो एक कमरा यहाँ से, कमरा नहीं है, यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं आप, तो जैसे यहाँ से बाहर गए, और एक वॉशरूम इस साइड है, और इस साइड ही किराएदारों का कमरा है ऐसा बाहर आने के लिए। और बाहर पे इनकी गाड़ी है, और बाहर का स्पेसर कुछ बहुत बड़ा है। और ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए सासू जी। और हमने सब खाना वाना खाया, अब हम धूप में जाते हैं ऊपर। और यहाँ पता क्या बात चल रही थी हमारी, तो ये पहले ना हम बोलते थे पहले क्या बोलता जी, हम टीवी आ गई थे, टीवी आ गई थे रोयो कैसे अब बनाइए वो गुरु सुए वो कोना कोना अभी तो ये दादी कमरा यहाँ नहीं बोलते पहले, अब बनागा ये डाइनिंग है ना, अभी बंद हो जो ना, मैं अभी बंद हो जो नहीं तो डाइनिंग बोल रहा, डाइनिंग तो सुकीचन सुकीचन वाला रसोई घर में जो खाना किचन वाल ये देखे बोल बैठा पहली बार था टीवी भी देखो तो पहले ऐसे बोलते थे, अब देखो तुम कितना चेंज हो गया, नहीं टीवी भी तरह सच में नहीं कहा बोल जाए हम ऊपर जाते छत में सुदेव तो भीतर मंदिर, अब मंदिर बना लो मंदिर पे बाद हम देवता भीतर। हमारे बुढ़िया सासू जी हैं, वो भी धूप तो चले गई पर अब छाव यहाँ पे हमारे ससुर जी। आज के दिन का क्रिकेट मैच हो रहा था ना, इसलिए आप दुर्गा स्टेडियम में, और उसी बहाने आप आज हमारे यहाँ आ पाए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो यहाँ पर बहुत अच्छी वाटिका भी बना रहे ये जी गार्डन बोल तुम पहले की बात, चलो अब सगड़ो तुम भी देखो दोनों आ गई पुंगड़ा बल। तो यहाँ पर देखो सासू जी ने बहुत कुछ साग सब्जी उगा रखी है, यहाँ पर धनिया भी है और प्याज भी है और लहसुन भी है, हरी सब्जी है, पपीता का, पर पपीता छोटे छोटे लगी है अभी यहाँ पे, बड़ा बड़ा खेल है। तो सासू जी की तबीयत अब ठीक है सासू जी? अब तो तबीयत ठीक हो, हाँ आवाज बढ़िया अच्छा आई होने बदल तबीयत, आवाज तो छाई चका नहीं आवाज को भूंजा पड़या पुर सासू। अरे हाँ छत में साजी मुझे खेत दिखा रहे कि यहाँ पीछे देखो कितने ज्यादा खेत हैं, तुम्हारे पे कोई पुंगड़ा लग गए हैं, इन्होंने खाना उना खाया, ये आंटी जी लग गए हैं खेतों में यहाँ पे। हम ऊपर छत का नजारा दिखाते हैं आप लोगों को, सासू जी ने ना सोलर भी लगा रखा है, कोई टेंशन नहीं तुम तो पानी जिथी गरम पानी नू कर दो है, जिथी गरम पानी नहीं है छपड़ छपड़ बहुत सुंदर जगह पे बना रखा साजी। मैं पहले भी आ रखी थी, मैंने कहा इस बार भी चले जाते, पीछे का लोकेशन भी इस तरह से यहाँ पे
तो ये जो मैं परसों वाली वीडियो में गई थी मालदेवता साइड, तो ये उस साइड का नजारा है, यहाँ से दिख रहा है मसूरी का। ये तो उस साइड रहते हैं हम जहाँ पे ये मसूरी दिख रहा है, मुझे यहाँ से पता नहीं चला था कि मसूरी किस साइड है, तो वहाँ रहते हैं हम भी, बहुत दूर है यहाँ से। तो यहाँ पर केविन का मैच खत्म हो गया है और ससुर जी गए हैं केविन को लेने यहाँ पे, तो केविन भी आ गया है। तो यहाँ पर दादी को मिलने भी आ गया केविन, दादी पूछ रही है दादी को नहीं पहचाना आपने अभी भी नहीं पहचाना, ढंग से शक्ल याद कर भाई। दादी को पहचान लेता, जवान दादी को तो पहचान लिया, जवान दादी को पहचान लिया था। अच्छा दादी भी तो गांव में थी पहले, तो यहाँ पर देखो है मेरे एक सासू जी और आ गए हैं, और ये तो बेस्ट ही है, बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं जिसको कि जिस यहाँ हर बार सब खोलो तो इन दोनों की फोटो दिखती है, और एक और है इनके साथ उनको भी दिखाएंगे कभी। तो यहाँ पर सास जी चाय ले आए हैं, चाय का आनंद लेते हैं। सास जी में तुम तो बहुत मिस करो छो पता, सच्ची सच्ची। हाँ ये देख लिया, तो कह रहे कि बहुत ज्यादा वो। और यहाँ पे हमारी दादी जी और दो दादा बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारे। दादा कुछ बोलोगे? कौन सा दादा बोलेगा? हाँ हाँ बोल। मैं? हाँ मैंने क्या बोलना है, बस ठीक है, ठंडी है और आज के दिन का मैच देखा है, बहुत अच्छा है, दुर्गा क्रिकेट स्टेडियम में। जब भी यहाँ क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ पक्का आना है, ठीक है। क्यों चाचू की बाबा भी दादा भी बैठे हैं दादी के साथ, आज दूसरा दादा ये जो हिमांशु के पापा बैठे हैं, वे चाचू है ब्रेक वाला।